सॉस राणा साहब बनाने के लिए सबसे पहले टमाटो केचप डालना है थोड़े से पानी में, केचप नहीं सॉरी टमाटो पेस्ट, ठीक है। रेडी मिल जाए दैट्स फेयर इनफ, वरना टमाटर काट के उसे 15 से 20 मिनट पका लें। पानी इसलिए डाला है कि ये नीचे ना लग जाए। नहीं जी, ये अब इसमें हम थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करेंगे, और स्पाइसेस हमारे पास हैं ये रेड सॉस, रेड चिली सॉस डायरेक्ट इसमें। सॉल्ट ऐड नहीं करना, सॉल्ट ऑलरेडी एडेड था इसमें, और ये चिली सॉस में भी सॉल्ट ऐड करना। थोड़ा पानी पाओ बीच, अच्छा इसको ज़्यादा स्मूथ करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ आपको, थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करते हैं इसमें। अब इसमें शाइनिंग आ जाएगी और ये ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। मेरी वेट ही कर देना थोड़ा, जब थोड़ी स्मूथ हो जाएगी बीच में ये गाना गुला इग्नोर करो। ये देखिए ये सॉस रेडी हो गई, देख सकते। हाँ जी, हाँ जी राणा साहब, आप कुछ पूछ रहे थे, आहिस्ता आवाज में पूछे, जरा तेरा स्पीकर बहुत ऊंचा है। मैं ये पूछ रहा था कि इसमें साल्ट हम बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। क्यों, तो मुंह खो रहा है यार, तुसी साल्ट नहीं खा सकते। साल्ट इधर भी पेगा, मैदे में भी पड़ेगा, ठीक है। जो चिकन आपने रेडी किया है उसमें पड़ेगा, ठीक है। ये रेडी है, ये रेडी है। यहाँ से कैमरा करो पहले। ये हमने पिज्जा फ्लोर गूंद लिया था, इसमें ऑयल डाला है, सॉल्ट, थोड़ी सी शुगर, और इसमें हमने ऑलमोस्ट 7 to 8 grams यीस्ट डाल दी थी। 1 to 1.5 घंटा हो गया, ये पकने साइज से डबल हो गया है, इससे आधा था, ठीक है। अब इसकी डो बनाने के लिए हम, डो होंगी रोटी होंगी, अब इसकी हम इंशाल्लाह अच्छी सी ब्रेड बनाएंगे। इसके लिए हम पहले मैदा थोड़ा स्प्रिंकल करें, थोड़ा सा मैदा पहले स्प्रिंकल करें पिज़्ज़ा फ्लोर, इसके ऊपर हम अपनी अब डो का असेंबल करते हैं। इधर थले पानी पा रही था, चंबड़ जाता है, फायदा हो जाता। पिज़्ज़ा ब्रेड लगानी है, इससे पहले अच्छी तरह से ऑयल नीचे लगा लें, ताकि ना पिज़्ज़ा नीचे जुड़े और ना ही कच्चा रह जाए। इसको हमने रेडी किया, तो कोई ब्रेड बनाने में कोई खास मुश्किल नहीं आएगी, बस हाथों से इसे फैलाते जाएं और फुल बी रेडी इन 2 to 3 minutes। लें जी, पिज़्ज़ा ब्रेड इज रेडी, नाउ विल पुट दिस इन पिज़्ज़ा पैन। पिज़्ज़ा सबसे क्रिटिकल पार्ट, पिज़्ज़ा की बम्ब टाइप की असेंबली। दिस इज़ नॉट द पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा फ्रॉम पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज पिज़्ज़ा नहीं है, पापा जॉन्स जो कि जनरल आसम सलीम बाजवा वाला वो नहीं है, ये है जी वैसे एटम बम पिज़्ज़ा। इंडिया से सुट्टो, अद्धा इंडिया तबाह कर दो। मतलब इसकी पिज़्ज़ा असेंबली में सबसे पहली चीज़ है सॉस, लेकिन उससे भी पहले हमने यहाँ पर थोड़े से डॉट्स लगा लेने हैं, ताकि कुछ जो अंदर से सही से पके, कहीं से भी कच्चा ना हो जाए। सबसे पहले टमाटो सॉस जो बनाई थी हमने वो लगाएंगे, अच्छा जी। इसके बाद हम ये इसको सैनिटाइज भी करेंगे, हाँ, ताकि अच्छा टेस्ट आ जाए। ये मोजरेला, मोजरेला की अच्छी हेल्दी सी, ये हम प्रोफेशनल पिज्जा नहीं बना रहे, घर पे बना रहे हैं, सो हम अपनी मर्जी के इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे। जरा हैवी टाइप का, बम टाइप का भी पिज़्ज़ा बनाना है, सो इस पर खुल के मोज़ारेला, वेजीज और चीज़ डालेंगे। ये सोचते हैं कि मोज़ारेला चीज़ खाने से मोटे हो जाएंगे, फॉर देयर इंफॉर्मेशन के मोज़ारेला इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और जो लोग ज़्यादा गोश्त वगैरह नहीं खाते उनको चाहिए कि इसको अपनी डेली लाइफ में लाजमी शामिल करें। इसको मोज़ारेला को ना ज़्यादा साइडों पर नहीं करना, बिकॉज अभी ये मेल्ट होएगा ना तो ये चीज़ें बाहर आएंगी, अगर साइडों पे हुआ तो ये पिज्ज़ा की ये डो जो है ये नज़र ही नहीं आएगी, ब्रेड नज़र नहीं बिल्कुल आएगी, तो थोड़ा सा साइड से मार्जिन रखना है। ये
हैवी शेदर चीज़ की। इसमें थोड़ी सी थोड़ा सा साल्ट होता है, सो दैट्स व्हाई वी जस्ट केप्ट लोअर साल्ट इन आवर अदर इंग्रेडिएंट्स। बाद में फिनिशिंग करने के लिए भी सबसे ऊपर थोड़ी सी चीज़ की हम एक लेयर लगाएंगे, बिल्कुल माइनर सी। सो अभी हम इसको मज़ा पे एडजस्ट करते हैं। हेल्दी चीज़ी बटरी ऑयली वेजी राई राई मतलब बीच में प्याज भी, पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है। अब आ गई हमारी वेजेस की बारी। हैवी बना रहे हैं सो वेजिटेबल्स भी ज़्यादा लगाएंगे। ये कैप्सिकम है मल्टी कलर, इसके ऊपर लगाना है चिकन, चिकन चिकन टिक्का राई पिज़्ज़ा सर। अच्छा पहले फिर गंडे डाल दिए, गंडे जो हैं वो आप स्प्रिंकल ही बेशक कर लें, कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी गंजे दास सर आज आप एक क्वेश्चन करो मजीद, मैं जनाब फिर थोड़ा आंसर करा शेफ की तरह। बिल्कुल ये चिकन टिक्का हमने रेडी किया है, चिकन टिक्का में मैरिनेट करके ये सिंपल एयर फ्रायर में फ्राई कर लिया, बिकॉज हर जगह पर बेहतियाती करके इतने सामने एहतियात आ गई, ऑयल दे विच नहीं बनाया ठीक है ना। सो इस पर थोड़ा सा टाइम लगाना है, बंदे के पुत्र आ ना देख देख करके पीस लगाना, स्प्रिंकल नहीं करना चिकन पीसेस। ये कम है इसलिए हाँ वो घट है भाई, गरीब बंदे हैं की करिए, डेढ़ पाई चूचा लेंगे वो पूरा करना, छः बंदे खाने। चिकन से थोड़ी सी चिकन की वजह से वेजेस छुप रही हैं, लेकिन क्या करें कि चिकन भी अच्छा खासा लगाना है हम ताकि पिज्जे का सही चस आ जाए। क्यों ये राणा साहब पिज्जा हट की तरह नहीं भी दूरबीन लाया कि चूचा बेंदे फिरो कि है कि नहीं, कंजूसी नहीं करनी। ऊपर एक दो वेजी लगा देते हैं, चल कलर आ जाए, कलर डिस्टर्ब ना हो इसका। दिस इज नॉट इटालियन पिज़्ज़ा, ये पाकिस्तानी बम्ब है, बम्ब हैवी किस्म का, मतलब सब कुछ लगाते रहो, देसी टाइप का पिज़्ज़ा है। अब एक और प्रोटीन सोर्स मशरूम्स, इसकी ये साइड ऊपर रखेंगे, ये मेरी वाइफ को इतनी पसंद नहीं है सो ये बिल्कुल कम लगाऊंगी ठीक है ना सर। तुसी कचियां खा लो, वाइफ वास्ते बना लो फिर बस, ओदे वास्ते लगे हैं बनाने पैसे। ये हो गई मशरूम, नाउ इट्स टाइम फॉर ऑलिव्स, वो खुल के डालने, मेरी वाइफ को ये भी नहीं पसंद लेकिन साइड पे करके मुझे दे देगी मैं खा लूंगा ठीक हो गया। डर मुर्गी था वैसे, मैं वीडियो के बीच भी वाइफ वाइफ लगा कर। सब कुछ लगाने के बाद ना हल्की सी चीज स्प्रिंकल करते हैं, एक तो खूबसूरत लगेगी, दूसरा ये चीजें आपस में बाइंड अच्छे से हो जाएंगी। प्री हीटेड ओवन, नीचे से 6 से 8 मिनट चलेगा, ऊपर से ये चलेगा 25-24 मिनट्स। नॉर्मली ये रेडी हो जाता है 20 मिनट में, लेकिन ये इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है और ये बल्क में हम बना रहे हैं तो इस वजह से 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है, ज़्यादा ऊंचा तो नहीं। चलें जी, पिज्जा इज रेडी, कलरफुल हेल्दी फुल ऑफ मोज़ारेला चीज वेजेस चिकन। ड्रेसिंग कर लेते हैं इसकी, बहुत ज्यादा नहीं करनी बिकॉज गुड़िया इट्स हॉट या
यहाँ पे थोड़ी ज्यादा सॉस डाल रही है, सो आई विल जस्ट टेक और पिज्जा इज रेडी, इसकी कटिंग करें और गरीबों में तकसीम करते हैं। इट्स हॉट बेबी, इट्स हॉट, ओके यू कैन टेक, ओके जी। देखिए जी कितना चीजी है, टूट टूट के गिर रहा खुद से। इट्स चीजी, इट्स हेल्दी, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेजी। होंदे मरदे हो ਦੇਰ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰੋਡ ਫੋੜ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਵਾਦ ਚਸ ਆ ਗਈ ਆ, ਸੁਣਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਖਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।